शंका मिटा दी है। नारद जी को बंदर का रूप मांगने से नहीं दिया, कपट से नहीं दिया, सच बताओ, चलो तुम ही निर्णय बता दो, बंदर का रूप देने में भलाई थी कि विष्णु का रूप देने में, बोलो ना। जब तुम बंदर बना सकते हो किसी का, चुकंदर बना सकते हो, कलंदर बना सकते हो, हैं? भगवान तो करेंगे। लेकिन एक बात यहां एक रहस्य की ओर बता दूं, जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं सुनाई। भगवान ने बंदर का रूप तो दे दिया, पर विष्णु जी के दुश्मन नहीं है। नारद जी कौन है? अनन्य भक्त है। और भगवान अपने अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। नारद जी को बंदर का रूप तो दे दिया, पर अपनी माया से केवल पूरी त्रिलोकी में दो व्यक्तियों के अलावा तीसरे को नारद जी का बंदर वाला रूप किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। सबको नारद जी असली रूप में ही दिखाई दे रहे थे, पर दो व्यक्तियों को नारद जी का रूप नहीं, बंदर का रूप दिखाई दे रहा था। एक तो शिव जी ने जो दो गण भेजे थे उनको दिखाई दे रहा था, एक जिसकी शादी हो रही थी विश्वमोहिनी को, उसी को दिखाई दिया। जाके बैठ के सभा में एक बार तो लड़की ने देखा, कन्या ने देखा, जय विधि बैठे नारद भूली, सोहित सिताही बिलोकन भूली, दोबारा नहीं देखा। तुरंत विष्णु प्रकट हुए, मायापति के गले में माला डाल दी, सारे गायब हो गए। नारद जी के साथ में ब्राह्मण वेश में दोनों गण बैठे थे, वो हंस रहे थे। नारद जी ने कहा, राजा लोग कहां चले गए, शादी हो गई क्या? दोनों गणों ने कहा, महाराज हो गई, किसको पसंद किया? बोले विष्णु जी को पसंद किया है। नारद जी बोले, विष्णु तो मैं बैठा हूं। ध्यान देना, आज ये गलती हम भी करते हैं, हम दूसरों का चेहरा तो देखते हैं, लेकिन जिंदगी में आप अपने अपना चेहरा कभी नहीं देखा। जिस दिन आप अपने को देख लोगे, दूसरे को देखना भूल जाओगे। दूसरे का मकान तो हम देखते हैं, मगर अपना मकान नहीं देखते। दूसरों की कमाई तो देखते हैं, पर अपनी कमाई नहीं देखते हैं, है ना? और इसीलिए कहा संतों ने, इसीलिए आदमी अपने को ना देखने के कारण, दूसरों का देखने के कारण आज आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। नारद जी बोले, विष्णु तो मैं बैठा हूं। गणों ने सोचा, अगर मैं वैसे कहूंगा तो ये न मानेंगे नहीं। तुरंत अपने झोले से मुंह देखने वाला शीशा निकाला। क्या निकाला? शीशा। शीशा जिंदगी में जो अपने बटवे में रखता है, जो संत अपने झोले में रखता है, जिंदगी में कभी बीमार नहीं होता, बेकार नहीं होता, ताबेदार नहीं होता। उसका जीवन हमेशा गुलजार ही गुलजार, सदा बाहर ही बाहर होता है। विश्वास नहीं तो हमारा झोला देखना आपके कमरे में, हम एक की जगह दो दो शीशे रखते हैं। बताऊंगा शीशे की महिमा। कोई भी व्यक्ति जिंदगी में गाड़ी चलाते समय गाड़ी में लगे हुए मुंह देखने वाले शीशों को देखता रहे तो एक्सीडेंट होगा क्या? बोलो ना, नहीं होगा ना। शीशा वो है जो असलियत बताता है। नारद को शीशा दिया गया, मुखम ददार सब करे शिव माया विमोहित, माया समाप्त हो गई। नारद ने जो मुंह देखा बंदर का रूप, क्रोध में भर गए। सबसे पहले तो गणों को श्राप दिया, युवा ममोपहासं चैत्र तुर्बाह्य सिंह भवे ताम राक्षसो विप्रवीर्ये जो तदाकृति। ए ब्राह्मण देवताओं, तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई है, जाओ, तुम शिवलोक में नहीं जाओगे, मृत्युलोक में ब्राह्मण के घर जन्म लोगे। जन्म तो ब्राह्मण का होगा, लेकिन कर्म राक्षसों का होगा। और तभी गुस्से में
विष्णु के पास जा रहे थे, रास्ते में विष्णु जी मिल गए। बाएं हाथ की ओर लक्ष्मी जी थी और दाईं ओर वही विश्वमोहिनी थी। कोई अग्नि में घी डाल दे तो अग्नि बुझेगी कि जलेगी, और गुस्से में भर गए। और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ना, क्रोध करने वालों को सिखिए, दूसरा श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रंश स्मृति विभ्रंश बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध में आदमी की बुद्धि का नाश हो जाता है। नारद जी ने तीन श्राप दिए, जाओ तुमने मेरा अपमान किया, मृत्युलोक में तुम मनुष्य जन्म लोगे। दूसरा श्राप दिया, तुम्हारी शादी तो होगी, तुमने मेरी तो शादी नहीं होने दी, पर जाओ मेरे श्राप से तुम्हारी शादी होगी, लेकिन पत्नी के लिए रोते फिरोगी, पत्नी का सुख। और तीसरा दिया, आपत्ति में ये बानर सेना ही तुम्हारी सहायता।